मैंने क्लिप देखी है पर मामला खींचे मत। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी शेषानंद के खिलाफ बुधवार को कार्रवाई बंद कर दी। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि इस मामले को और नहीं खींचा जाना चाहिए क्योंकि इसके और भी प्रभाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस वी शेषानंद माफ़ी मांग चुके हैं, इसलिए मैटर को और नहीं खींचना चाहिए। मेडल आते हैं तो सब फोटो खिंचाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने फोन किया या नहीं, इस सवाल के जवाब में विनेश फोगाट ने कहा कि मेडल आते हैं तो सब फोटो खिंचवाते हैं। जब मैं फाइनल में पहुंच गई थी तब तक कोई फोन नहीं आया था। किसी का नाम लिए बिना विनेश फोगाट ने कहा, अगर आप में सच में संवेदनाएं हैं तो आप सोशल मीडिया पर प्रचार करने की बजाय एक फोन करके बोलते कि बेटा हम आपके साथ हैं, तो मेरे लिए यह काफी होता। बृजभूषण सिंह का एनकाउंटर भी करना चाहिए था। बदलापुर रेपकांड के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अब महाराष्ट्र के विपक्षी नेता विजय वांटीवार ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया तो बृजभूषण सिंह का भी एनकाउंटर करना चाहिए था। विजय वांटीवार ने कहा कि कानून अगर समान है तो यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह का भी एनकाउंटर करना चाहिए था। अक्षय शिंदे को मारकर बीजेपी नेताओं को बचाया, वैसे ही बृजभूषण सिंह को बचाया गया। यहाँ न्याय अलग और वहाँ का कानून अलग है क्या? बीजेपी का इस मुद्दे पर भंडाफोड़ हो गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कंगना ने उन तीन कृषि कानूनों पर बयान दिया था जिन्हें 2021 में वापस ले लिया जा चुका है। हालांकि सरवन सिंह पंडेर ने इस मामले पर तीखा रुख दिखाया है। पंडेर ने कहा कि अगर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पहले ही उन कानूनों को वापस ले लिया है और फिर भी उसके सांसद उस कानून पर बयान देते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पंडेर ने यह सवाल भी पूछा कि कोई नीतिगत मामलों पर बयान देकर यह कैसे कह सकता है, क्या उसकी व्यक्तिगत राय है। बीजेपी का इस मुद्दे पर भंडाफोड़ हो गया है। डाकोर रणछोड़ जी मंदिर में प्रसाद की जांच हो। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू विवाद के बाद अब गुजरात के 30 साल डाकोर में भी प्रसाद को लेकर मंदिर के पुजारी ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं को परोसे गए प्रसाद के मामले की जांच होनी चाहिए। प्रसिद्ध 30 साल डाकोर के रणछोड़ राय मंदिर में भक्तों के परोसे जाने वाले प्रसाद पर मंदिर के ही एक सेवक पुजारी ने नाराजगी जताई है और प्रसाद की जाँच और सत्यापन की मांग की है। मंदिर के सेवक आशीष भाई की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर डाकोर रणछोड़ जी मंदिर में प्रसाद की जांच उसी तरह की जाए जैसे तिरुपति में की गई है। AIMIM नेता शोएब जमई को 2-2। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद मामले में बुधवार को एक बार फिर पुल पकड़ लिया। AIMIM नेता शोएब जमई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर संजौली मस्जिद मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की बात कही। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में दोबारा विवाद छिड़ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तैनाती संजौली में बढ़ा दी गई है। इसी बीच संजौली मस्जिद कमेटी ने शोएब जमई को कड़े शब्दों में संदेश दे दिया है। मोहम्मद लतीफ ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोगों को आकर अपनी राजनीति चमकाने की जरूरत नहीं है। रेपिस्ट को सरेआम दी जाए फांसी। मध्य प्रदेश में बच्चों से यौन उत्पीड़न के मामले थम नहीं रहे हैं। बढ़ती घटनाओं से आम लोगों के जनप्रतिनिधियों में जबरदस्त आक्रोश है। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का बच्चों से रेप की घटनाओं पर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने रेपिस्टों के लिए तालिबानी सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि रेप के आरोपियों को चौराहे पर लटका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोपियों को सरेआम फांसी पर लटकाने के बाद शव का अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहिए ताकि शव को चील कौवे नोच नोच कर खा सकें। सीपी जोशी के बयान पर भड़के अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बदनाम करने का विफल प्रयास कर रही है। अशोक गहलोत ने सांसद सीपी जोशी द्वारा राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने के लिए लिखे गए पत्र को हास्यास्पद व शरारतपूर्ण बताया है। उल्लेखनीय है कि चित्तौड़गढ़ के बीजेपी सांसद जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने का अनुरोध किया है।
पीएकेओ को भारत में विलय करना बीजेपी का संकल्प। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं ने प्रचार में ताकत झोंक रखी है। इसी बीच बुधवार को कश्मीर के कठुआ में केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने रैली की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग है और हम पूरी तरह से उसके विलय करेंगे, ये बीजेपी सरकार का संकल्प है। उन्होंने आगे कहा कि तीन खानदानों ने राज किया और कश्मीर को लूटा, जम्मू और कश्मीर में भेदभाव किया। बीजेपी के लिए जम्मू और कश्मीर दोनों बराबर हैं, जम्मू के साथ अन्याय नहीं होगा। एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़ा। भारत जापान को पीछे छोड़ एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, जो पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को संकेत दे रहा है। भारत ने यह उपलब्धि अपने डेमोग्राफिक ग्रोथ, युवा जनसंख्या और अर्थव्यवस्था की विस्तार के चलते हासिल की है। 2024 एशिया पावर इंडेक्स के खास बात यह है कि रीजनल पावर रैंकिंग में भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की ने भी अब शाहबाज का हाथ छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। बैठक के दौरान एर्दोगान ने गाजा युद्ध को लेकर इसराइल के खिलाफ जमकर हमकला बोला, लेकिन कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। साल 2019 के बाद यह पहली बार है जब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर से किनारा करा है। इसके पहले एर्दोगान संयुक्त राष्ट्र में लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं। जो बाइडेन से मिले मोहम्मद यूनुस। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। शेख हसीना के पद से हटने के बाद अब वहां पर नई अंतरिम सरकार बनाई गई है। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जारी किए गए ऑफिशियल प्रेस नोट में जानकारी दी गई है कि बाइडेन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को पूरा समर्थन देने की बात कही है। इसके अलावा जो बाइडेन ने कहा कि अगर अपने देश के लिए छात्र इतना कुछ कुर्बान कर सकते हैं तो उनको थोड़ी और मदद करनी चाहिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। सऊदी अरब ने उमरा की आड़ में अपने देश में आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। सऊदी अरब ने साथ ही पाकिस्तान से उन्हें खाड़ी देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए कार्रवाई करने को कहा है। मीडिया में आई एक खबर में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने अपनी खबर में बताया है कि सऊदी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका पाकिस्तान के उमरा और हज यात्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। समलैंगिक विवाह को मिला शाही समर्थन। थाईलैंड के राजा ने जून महीने में संसद द्वारा पारित विवाह समानता विधेयक को समर्थन किया है, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश और एशिया में समलैंगिक जोड़ों के विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा देश बन गया है। मंगलवार की देर रात को आधिकारिक शाही राजपत्र में शाही समर्थन प्रकाशित किया गया। इसका मतलब कि यह विधेयक अगले 120 दिन में लागू हो जाएगा। निर्धारित समय से 11 महीने पहले संसद भंग। श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक ने देश की संसद को भंग कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने इससे जुड़े विशेष राजपत्र पर अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए। अधिसूचना के मुताबिक मंगलवार को आधी रात से संसद भंग मानी जाएगी। साथ ही चुनाव 14 नवंबर को होंगे। श्रीलंका में शनिवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही दिसानायक ने कहा था कि वह संसद को तुरंत भंग कर देंगे, साथ ही मध्यवर्ती चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेंगे। अगस्त 2020 में पिछली संसद गठित की गई थी, जो निर्धारित समय से 11 महीने पहले ही भंग कर दी गई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।